नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत। किस्सा कुर्सी का। सरकारी दफ्तर हो या निजी या कोई समारोह, कुर्सी पर सबकी नजर रहती है। मेन कुर्सी उसे मिलनी चाहिए। कुर्सी थोड़ी ऊंची होनी चाहिए ताकि वो अन्यों से अलग दिखे। क्या कोर्ट में भी ऐसा ही होता है? आपने लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक देखा होगा, जज साहब लोग की कुर्सियाँ एकदम अलग अंदाज की होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि 21वीं सदी है, वहाँ भी परिवर्तन का दौर चल रहा है। जैसे कि अभी उल्लेख किया गया कि आम आदमी की भाषा में ऑपरेटिव पार्ट आदेश होने लगे, क्षेत्रीय भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसले होने लगे हैं या उसे तर्जुमा किया जाने लगा है। ठीक इसी तरीके से 2022 सितंबर आपको याद होगा, ललित साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे और फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही होगी वो लाइव होगी, ताकि आम आदमी देख सके कि आखिरकार कोर्ट में होता क्या है, वकील कैसे बोलते हैं, जज कैसे बोलते हैं, कैसे बहस होती है। लाइव होने लगा। अभी 370 पे जो कार्रवाई चल रही है कोर्ट में वो लाइव हो रही है। इसी दौरान होता क्या है कि जो अपने CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय DY चंद्रचूड है, वो गर्मियों की छुट्टी में गए इंग्लैंड। वहाँ पे किसी ने लाइव जो है कोर्ट की कार्रवाई देखी। बड़ा उनसे एक अजीब सा सवाल पूछा कि जज साहब ये तो बताइए कि आप लोगों की कुर्सियाँ जो है ऊपर नीचे क्यों होती है। बात तो समझ गए DY चंद्रचूड़ साहब, हो सकता है कि पहले भी वो देखे हों अपने यहाँ जब कोर्ट लगी हो। तो उसके बाद लौटने के बाद उन्होंने कोर्ट के जो भी जिम्मेदार रजिस्ट्रार वगैरह हैं उनसे सलाह मशविरा किया कि आखिरकार ये हम लोग की कुर्सियाँ ऊपर नीचे क्यों होती है, क्योंकि जज तो सब बराबर है, एक बेंच होती है, उसमें सब पे फैसले और जो मत होता है उस सबका उतना ही महत्व है। तो ये हुआ कि दरअसल कुर्सियों में बहुत दिनों से बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन होता क्या है कि जब जजों को लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना होता है तो उसकी वजह से उन्हें कुछ दिक्कत होने लगती है, तो वो अपने हिसाब से उसमें चेंज कराते हैं, लेकिन हाइट को चेंज नहीं कराते। जैसे रमन्ना साहब को भी आर्थोपेडिक्स की दिक्कत थी, खुद DY चंद्रचूड़ को भी दिक्कत है। फिर उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कीजिए, बढ़ई बुलवाइए और सारी कुर्सियों की हाइट को बराबर करा दीजिए, और उसमें फिर जिसकी जो डिमांड है उस कुर्सी में और सारी तब्दीली हो सकती है, लेकिन उसको ऊपर नीचे ना रखा लिया जाए। वैसा ही किया गया। गर्मियों की छुट्टी के बाद जब जज साहब लोग लौटे तो देखा कि कुर्सियाँ सारी बराबर हो गई है। तो ये है DY चंद्रचूड़, जो सिर्फ कहते नहीं करते भी हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं, न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए और कुर्सियाँ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, कुर्सियाँ एक जैसी होनी चाहिए, जो उन्होंने करा दिया। नई निकबर देखते रहिए। थैंक यू।